Hello, guys, this is Dr. Sajadwani. Here is the key of the Nyibeth SLR mock test that was conducted by me by uploading the paper on uh, WhatsApp group. This was the level first of the Nyibeth SLR mock test. It contained 120 questions and you had a time of two hours. So, I will discuss in this video the

एंड सम अदर कंट्रीज दे बाड द साक समिट आगे चलेंगे द लास्ट मेंफगानिस्तान भूटान मालदीव नेपाल द करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान अफगानिस्तान को मैंबरशिप नहीं मिल रही थी बिकॉज इट इज अस्ट एशियन कंट्री इट इज नॉट अ साउथ एशियन कंट्री सो द लास्ट मेंबर टू जॉइन साज अफगानिस्तान ये आपको याद रखना है एंड दिस इज द ओनली कंट्री ऑफ साक विच डॉट बिलोंग टू साउथ एशिया प्रॉपर बट इट बिलोंग्स टू साउथ वेस्ट एशिया जियोग्राफिकली उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री द इनकरेक्ट पेयर इज आपको इनकरेक्ट पेयर देखते हैं करेक्ट पेयर नहीं देखते हैं साक एग्रीकल्चर सेंटर डाका बांग्लादेश में है साक डेवलपमेंट फंड थिंपू भूटान साक ट्यूबर क्लोस एंड एच आई वी एड सेंटर गांधीनगर इंडिया साक एनर्जी सेंटर इस्लामाबाद द इनकरेक्ट पेयर आपको चूज करना है करेक्ट पेयर नहीं इसमें तीन करेक्ट होंगे और एक ही इनकरेक्ट होगा द फर्स्ट वन साग एग्रीकल्चर सेंटर ये ढाका बांग्लादेश में ही है साग डेवलपमेंट फंड थिंफू भूटान में ही है और फोर्थ वन साक एनर्जी सेंटर पाकिस्तान इस्लामाबाद में ही है लेकिन साग ट्यूबरकोसिज एच आई वी सेंटर नेपाल काठमांडू में है ये इंडिया में नहीं है अगर आपको यहाँ पे दूसरे एंगल से भी देखना है कि गांधीनगर इंडिया में साक का कोई सेंटर है यस दर इज अ सेंटर ऑफ साक इन गांधीनगर इंडिया विच इज द सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट तो दिस वन इट इज द इनकरेक्ट पियर दिस योर आंसर नेक्स्ट बीच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनाइटेड नेशन एम्बलम अगर आपने यूनाइटेड नेशन एम्बलम को देखा होगा इट इस अ मैप ऑफ द वर्ल्ड सेंटर्ड ऑन द साउथ पोल इन्स्क्राइब इन अ रिथ कंसिस ऑफ ब्रांचेज ऑफ द ओल्यू ट्री द प्रोजेक्शन ऑफ द मैप इंक्लूड्स फाइव कंसेंट्रिक सर्कल्स द प्रोजेक्शन ऑफ द मैप एक्सटेंडस टू सिक्स डिग्री साउथ लैट्यूड अगर आपने यूनाइट नेशन एम्बलम देखा होगा तो इट्स द मैप ऑफ द वर्ल्ड दैट्स राइट ज रिथ कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रांच ऑफ ओली यह भी ठीक है द प्रोजेक्शन ऑफ द मैप इंक्लूड्स फाइव कंसेंट्रिक सर्कल्स ये भी ठीक है द प्रोजेक्शन ऑफ मैप एक्सटेंड्स टू 60 डिग्री साउथ लैट ये भी ठीक है, है लेकिन गलत क्या है जो पहला आंसर फर्स्ट जो है इट इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड यहां तक ठीक है बट द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज सेंटर्ड ऑन द नॉर्थ पोल एंड नॉट द साउथ पोल आपको याद रखना है दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन एंड दस दिस इज अवर आंसर आगे चलेंगे ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस आपको पता है यूनाइटेड के छह ऑर्गन है पलाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नो इट इज एक्टिव यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको यूनाइटेड नेशन इकोस्टॉक भी बोलते हैं इट इज ऑल्सो एक्टिव यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल ये एक्टिव नहीं है इस का काम 1994 में खत्म हो गया है एंड यूनाइटेड सेक्रेटेट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उसके बाद फॉल्स अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे कहा आपको पता होगा इट इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइट नेशन ओनली बिटवीन द स्टेट दैट रिकॉगनाइज इट इज दिस इज करेक्ट इट हैज फिफ्टीन जजेस ये भी ठीक है इट इज इजेस आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये भी ठीक है इट इज जजेस आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ फाइव ईयर्स नो इट इज इजेज आर

पूछे गए हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन दिस इज राइट जी सुब्रमण्य अयर फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी दिस इज रॉन्ग बिकॉज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई जी के गोखले दादा भाई नवरेजी इज नोन एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये ठीक है जी के गोखले इज रिगार्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी दिस क्वेश्चन वज ऑल्सो आंस्कड वंस इन द केस पेपर ये भी ठीक है दैट मीन्स ऑप्शन बी ये गलत है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज नॉट फाउंडेड बाय सुब्रमण्य अयर आगे चलेंगे मोतीलाल नेहरू एंड चित्रंजन दास फॉर्मड स्वराज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ सुप्लिट विद इन द कांग्रेस ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है तो स्वराज पार्टी कब बनी थी इट वॉज फार्म इन द गाया सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1922 ट्वेंटी टू इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रहेगा सूरत सेशन में नहीं लाहौर सेशन में नहीं लखनऊ सेशन में नहीं तो आगे चलेंगे फर्स्ट पर्सन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रहस्ट ऑफर ये क्वेश्चन आया था सत्याग्रह? हम मारेंगे गांधी राइट आंसर इज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही वॉज आचार्य विनोबा बावे आपको याद रखना आगे चलेंगे गांधी कॉल्ड डैश एज अ पोस्ट डेटेड चेक गांधी ने किसी मिशन को दैट इट अ पोस्ट डेटेड चेक विच वाज़ द मिशन इट वाज़ द क्रिप्स मिशन दिसक्चुअल क्वेश्चन क्रिप्स मिशन आगे चलेंगे इफ द प्राइस ऑफ वन गुड हैज गोन अप वंस इट इज नोन एज डैश यूजअली हम क्या करेंगे हम कहेंगे द प्राइस अप इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन बट इट इज रॉन्ग इट इज नॉट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मीनज वेन देयर इज परसिस्टेंट और कंटिन्यूस राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स ओर अ पीरियड ऑफ टाइम यहां पे मैंने बोला है एक गुड है और उसका प्राइस एक बार इंक्रीज हुआ है दैट मीन इट्स नॉट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की तो बात ही नहीं रिसेशन की भी बात ही नहीं नन ऑफ दीज इज आवर करेक्ट आंसर आगे चलेंगे चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट डब्ल्यू पी आई ये इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है पहले आपको पता होना चाहिए डब्ल्यू पी आई होता क्या है डब्ल्यू पी आई स्टैंड फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड दिस होल सेल प्राइस इंडेक्स ये जो क्वेश्चन है यह बहुत इन्फॉर्मेटिव है इट इज रिलीज बाई इट इज रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यह ठीक है इन द न्यू सीरीज ऑफ होल सेल प्राइस इंडेक्स दिस सीरीज इट इज दिक्सथ रिविजन ऑफ होल सेल प्राइस इंडेक्स सीरीज ये मैं आगे बताऊंगा नंबर ऑफ आइटम रेज फ्रॉम सिक्स सेवनटी सिक्स टू सिक्स नाइनटी द न्यू सीरीज ऑफ होल सेल प्राइस इंडेक्स है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह बहुत इफॉर्मेटिव है आपको फॉल्स ऑप्शन चूज करना है ऑप्शन वन इज करेक्ट इट इज रिलीज बाई द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डी आई पी पी ऑप्शन सेकेंड गलत है बिकॉज इट इज द सेवंथ रिविजन इन द सीरीज तो ये हमारा आंसर है इट इज दिन मीन्स हमारा आंसर है यही फ़ॉल्स स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट ठीक है पहले डब्ल्यू पी आई इंडेक्स में सिक्स सेवेंटी सिक्स आइटम्स होते थे अब सिक्स नाइनटी सेवन आइटम्स होते हैं और इसका बेस ईयर भी चेंज हो गया अब टू टू थाउजेंड इलेवन टू थाउजेंड ट्वेल्व सो ऑप्शन बी

आपको फॉल्स स्टेटमेंट देखते है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज पास इन टू सर्फाइ ये भी ठीक है इसका एक्स ऑप्शन चेयरमैन होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर ये भी ठीक है इसके मेंबर्स का टेन होता है फाइव ईयर्स ये भी ठीक है बट एनडीएमए ये कंफ्यूजन के लिए रखा है मैंने बिकॉज एनडीएमए इज नॉट एन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इट इज एन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दैट मीन दिस पार्ट डी इट इज द रॉन्ग इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट एंड दिस इज अवर आंसर। आगे चलेंगे इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इज द फैक्चुअल क्वेश्चन 5 जून वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 1st दिसंबर वर्ल्ड इंटरनेशनल एड्स डे 10th दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सो बचा आंसर 13th अक्टूबर 13th अक्टूबर इज आवर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट आगे चलेंगे रेड रिबन इज एसोसिएटेड विद दिस इज रेड रिबन इज एम्बल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट के लिए रेड रिबन यूज नहीं होता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज के लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्लू हेलमेट तो यहाँ पे ये भी ठीक नहीं है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए हम ग्रीन रिबन का सिंबल यूज करते हैं तो ये भी नहीं है एड्स अवेयरनेस के लिए हम रेड रिबन यूज करते हैं दिस द आंसर आगे चलेंगे एड्स इज काज बाई इट एन ईजी क्वेश्चन एड्स इज काज बाई अ वायरस आपको याद रखना है बट विच वायरस इट इज एन आर एन ए वायरस आपको याद रखना है राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस लेकिन ये ऐसा वायरस होता है प्रोड्यूस डी एन ए फ्रॉम इट आर एन ए फिर ये काम कैसे करते है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे यहां पे आपको इतना ही याद रखना है एड्स इज काज बाय एन आर एन ए वायरस एंड विच टाइप ऑफ आर एन ए वायरस इट अ रेट्रो वायरस ठीक है डीएनए वायरस तो नहीं आएगा हा कन्फ्यूजन यहां पे एड्स इज नॉट काज बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट इज ओनली स्प्रेड बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूज इट इज ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड ट्रांसमिट लेकिन काज इसका वायरस है दैट इज आर्नी वायरस और रेट्रो वायरस इ वायरस इट स्प्रेड इट काज इबोला डिजीज उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एड्स कैन बी क्यूर्ड ये आपको याद रखते एड्स कैन नॉट बी क्यूर्ड सो एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी ये एंटी वायरल थेरेपी है इससे एड्स जो डिजीज है इसका कोर्स स्लो हो सकता है लेकिन इट कॉन्ट बी क्योर्ड वैक्सीनेशन अभी तक कोई वैक्सीन ऐसा बना नहीं एंटीबायोटिक हम वायरस की की हुई डिजीज के लिए यूज नहीं एंटी बायोटिक्स आर नॉट यूज फॉर वायरल डिजीज ये बैक्टीरियल डिजीज के लिए यूज होता है एंड नन ऑफ दीज डिस आंसर आगे चलेंगे फॉल्स अबाउट क्लोरो फ्लोरोबन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोबन आपको पता होगा दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल नॉन फ्लेमेबल नॉन टॉक्सिकंड हार्म लेस टू हैंडल दिस इज राइट दे आर यूज इन एरोसोल्स एयर कंडीशनर्स रेफ्रिजरेटर्स फाइबर एक्सटिंग ये भी ठीक है दे आर यूज इन मेकिंग फोम्स फॉर मैट्रेस क्वेश्चन डिस्पोजेबल स्टेरोफोम कप्स ये भी ठीक है दे लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन क्रैकिंग डिज ए ट्रिकी क्वेश्चन यह गलत है बिकॉज ओजोन क्रैकिंग इट इज काज बाई ओजोन क्योंकि ओजोन की थोड़ी सी कंसंट्रेशन लोअर एटमोस्फेयर में भी है बिकॉज ऑफ दैट कंसंट्रेशन द ओजोन काज इज क्रैकिंग इन रबर मटेरियल मेड अप ऑफ रबर लाइक टायर्स दैट इज कॉल्ड एज ओजोन क्रैकिंग सो ओजोन क्रैकिंग इज काज बाई ओजोन और ओ सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट एंड दिस इज अवर आंसर आगे चलेंगे द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं द प्रोटोकॉल ऑन ग्रीन हाउस इफेक्टो प्रोटोकॉल अ प्रोटोकॉल फॉर द प्रोटेक्शन भी नहीं है अ प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी वहां पर एक बॉन्न कन्वेंशन था यह भी नहीं है अ प्रोटोकॉल टू वीन अन्वेंशन यस दिस इज द राइट आंसर एंड मोन्ट प्रोटोकॉल इज द प्रोटोकॉल ऑन ओजोन डिप्लूशन ये आपको याद रखते हैं आगे चलेंगे विच वन इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ मेथिन मेथिन जो है इसका मेजर सोर्स वेटलैंड है मार्शेस हैं यस

ज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर यह भी पता है इट इज यूज इन स्पिगमो मैनोमीटर स्पिगमो मैनोमीटर और फिग्मो मैनोमीटर ये होता क्या है इट इज द एपराइटिस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर जो हमारे घर में होता है ये भी ठीक है इट इज लाइटर देन वाटर नहीं इट इज हैवियर देन वाटर सो दिस इज द फॉल्स statement about mercury and this is our answer. next, false about uni universal declaration of human rights. universal declaration of human rights, it was ratified on 10th december 1948. 10th december celebrate celebrated International day of human rights. it contains the preamble and 30 articles, it was adopted by the united nations general assembly, but it was not signed in geneva, but it was signed in paris. that means this is the false statement and this is our answer. question number 25.

फर्स्ट टेनमेंट टू दस्टिट्यूट स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रपोज्ड बाई जेम्स मेडिसन सो इसका इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट के साथ कोई लेना देना नहीं है दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट एंड दर आंसर आगे चलेंगे विच वन इज नॉट अ फैट सॉलिबल वाइटामिन आपको याद रखना है देर आर फोर वाइटामिन विच आर फैट सॉलिबल ए डी ई एंड के सो यहां पर दिस ऑप्शन बी देट मीज वाइटामिन सी इट इज नॉट फैट सॉलिबल बट इट इस वाटर सॉलिबल यह हमारा आंसर है आगे चलेंगे द इनकरेक्ट पेयर ऑफ डिफिशेंसी डिजीज वाइटामिन ए की डिफेंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है ठीक है वाइटामिन बी वन से की डिफिशेंसी से बेरी बेरी होता है ठीक है वाइटामिन बी थ्री की डिफिसी से पेलेग्रा होता है ठीक है वाइटामिन डी की डिफिन्सी से स्कर्वी नहीं होता स्कर्वी इज काज बाय द डिफरेंसी ऑफ वाइटामिन सी सो दिस आंसर उसके बाद क्वेश्चन ट्वेंटी एट विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाइस्ट पोटेंशियल ऑफ टाइटल ऐसे ही याद रखना है गुजरात बिकॉज ऑफ वेरी